हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करते हैं। और टीजीटी एसएसटी में हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी देख रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में आप सबको क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी मिल चुकी है, यानी पॉलिटिकल साइंस की मिल चुकी है। अब हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की तैयारी। तो ज्योग्राफी में हमारा क्या है, आज का चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। बदलती पृथ्वी में आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने घर में चाय बनाने में, अपने खाना बनाने में और अपने एक तरह से पानी उबालने में सारी प्रक्रिया समझी हुई हैं, जो कि आजकल हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यानी कि बदलती पृथ्वी में क्या है इंपॉर्टेंट। बदलती पृथ्वी यानी पृथ्वी किस में आती है, आपके स्थलीय मंडल में। स्थलीय मंडल में आपके जो 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 चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्थल मंडलीय प्लेट, या आपको यानी कि बता दिया था भू जितनी भू मीवेयर सारी चीज़ें प्लेट हैं, अनेक प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें आती हैं, यानी कि भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी कुछ छोटी कठोर असामान्य आकार की प्लेटों होती हैं जिसका पर महाद्वीप व महासागर यानी स्थित टिके हैं। ठीक है, जो कि आपका आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले कहा जाता था कि अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप और इंडिया का कहीं ना कहीं जोड़ था, कहा जाता है इस तरह का। पेंजिया वाली जो थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी क्लास इलेवंथ में, जो पेंजिया की थ्योरी है और जो कहीं ना कहीं हमें पढ़ते आ रहे हैं। अब पेंजिया की थ्योरी और जो वैगनार वाली जो थ्योरी कह रहा है वो क्या कहता है कि अफ्रीका से हम क्या करते हैं, टूटे टूटे हम यहाँ पर गढ़े हैं और कहीं ना कहीं ये समुद्र था और ये समुद्र जैसे ही टकराया तो ये कहीं ना कहीं महाद्वीप के रूप में आपने एक तरह से क्रिएट हो चुका है, ये कहा जाता है। अब यही कहा जाता है तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इस डायग्राम को भी इम्पोर्टेंट आती है बात। ये जो डायग्राम है अगर ये आपने समझ लिया तो आपका जो एक नंबर का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आता है वो आप समझ जाओगे। कौन सा, यानी कि पृथ्वी की गति। देखो, एक होता है पृथ्वी की जो गति है वो आंतरिक बल के कारण और एक होता है बाह्य बल के कारण, जो कि आपका क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक और ये क्या है एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक मतलब इनर की बात कर रहा है और एक्सोजेनिक मतलब बाहर की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आकस्मिक बल और पलट यानी पलट वितरण एक तरह से, यानी कि वितरण जो हो गया या फिर एक तरह से विरूपण क्या ये लिखा हुआ है पलट विरूपण बल, एक तरह से जो क्या है एक तरह से उल्टा हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो घर पृथ्वी के बल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपकी पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। अब ये क्या है बाह्य, यानी कि आपदा एक तरह से अपरदन और निक्षेपण, जितनी भी आपने देखा होगा अपरदन कैसे होता है मिट्टी के यानी कि बहाने से या फिर इस तरह के कारण, यानी कि नदी के जल से, पवन के जल से, समुद्र के तरंगों से और हिमनदी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी की सारी आपकी प्राकृतिक चीज़ें यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, यानी कि सीधे सीधे मान के चलो भाई जो आपके अंदर से चीज़ें आ रही हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है, तो अंदर से गुस्सा आने पर क्या होगा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज जब बाहर से गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कल मैंने आपको करा दिया था कि आपका क्या है, ये क्या है गैस और राख, फिर आपका क्रेटर हो गया, फिर निकासी हो गया, फिर आपका लावा हो गया, फिर मैग्मा क्रोस्ट हो गया। ये क्या आपकी ये सारी सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है यानी कि ये आपको मैंने अभी शब्दावली के तौर पर बताया भाई, आंतरिक हो गया तो क्या हो गया एंडोजेनिक और बाह्य हो गया एक्सोजेनिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आप यानी कि जो भूकंप होता है, भूकंप कहाँ से चलता है, वो चलता है अपने केंद्र से, यानी कि अपने केंद्र के जो होता है, जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ से भूकंप, यानी कि भूकंप का केंद्र यहाँ रहा। आपने कई बार ही सुना होगा भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, भूकंप का केंद्र इधर रहा, भूकंप का केंद्र इधर रहा, तो वो क्या है वो भूकंप का केंद्र कहलाता है। जैसे कि आपको कहे इस प्रक्रिया में यानी स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के यानी गति करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है, ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर की गति से होता है, इस कंपन के भूकंप कहते हैं। भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वो क्या है उद्गम केंद्र, और उद्गम केंद्र के भू स्थल पर उसके यानी कि निकटतम स्थान को क्या है अधिकेंद्र। जैसे कि मान के चलिए सीधे सीधे आप ये समझ के चलिए
जैसे कि आपका ये क्या है, ये एक सर्कल है। अब ये क्या है, सेंटर, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, एक हथौड़ा से कुछ भी मारो, यानी कि ये प्लेट है, इस सेंटर पर कुछ भी मारोगे तो यहाँ कंपन कैसे असर होगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि पहले यहाँ पर कंपन ज़्यादा होगा, यहाँ पर कंपन ज़्यादा होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र और अभिकेंद्र, सॉरी, अब केंद्र और उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र क्या है, जहाँ से होता है, और अभी यानी कि अभिकेंद्र क्या है, एक तरह से जहाँ से निकटतम स्थान का बताया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यानी जैसे दिखाया गया यहाँ पर वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है, वह क्या है, ऊर्जा का एक तरह से केंद्र माना जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको फिर क्या है, अभी केंद्र, फिर प्लेट सीमा, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और भूकंप का क्या है, 26 जनवरी 2001 में कहीं ना कहीं जो आपका भुज का भूकंप है, वो सबसे एक तरह से पावरफुल भूकंप माना जाता है, यानी कि 6.9 वाला, जिसमें कई छात्र और कहीं, यानी कि क्योंकि 26 जनवरी के दिन तो क्या होता है, आप सबको पता है 26। और भूकंप किससे नापा जाता है, देखो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है भूकंप किससे नापा जाता है, और भूकंप की जो तीव्रता है, यानी एक तीव्रता भूकंप नापने की, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी भूकंप नापने का एक यंत्र, यानी कि यंत्र से किया जाता है, जिसको भू लेखीय, एक तरह से भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप लेखी क्या होती है, तीव्रता को रिक्टर स्केल पर नापता है, जो कि क्या है, आपको इस तरह से मिलेंगे, जैसे कि 2 है, उससे कम है तो वो नॉर्मल है। फिर क्या है, जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है, वह वस्तुओं को यानी कि गिराने या इधर उधर के लिए इम्पोर्टेंट हो, एक तरह से इम्पोर्टेंट बोलो, एक तरह से मायने रखता है। फिर आता है 6 से ऊपर के शक्तिशाली, और फिर उसके ऊपर के 7 कहीं ना कहीं। और ये जो आपका डायनासोर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें भी कहा जाता है कि उस टाइम इतना तेज भूकंप, यानी कि उल्का पिंड गिरा होगा और इतना तेज भूकंप आया होगा कि कहीं ना कहीं जो भी उस टाइम के जीव हैं वो सारे मरे गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है मुख्य स्थलाकृति, यानी कि नदी है, नदी आपको कहीं ना कहीं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका, विश्व की हज़ारों छोटी छोटी जल प्रवृत्ति हैं, जिस यानी सबसे ऊंची जल उत्तर दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंडीज जल प्रायत में मिलती है, यानी कि एक तरह जल प्राप्त में है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एक बार शायद पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आती है यानी कि आपकी एस आकार की आती है, फिर आपकी जो झीलें होती हैं वो आपके आ जाएंगी, फिर आपकी जो चीज़ें हैं ये बाढ़ के मैदान, और ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो आपको पता होना है। अब आपका विसर्प, जहाँ नदी यानी जहाँ नदी मैदान क्षेत्र प्रवेश करते हैं, वह एक तरह से मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के कहीं यानी कि कई बड़े मोड़दार जो मोड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं, विसर्प कहा जाता है। तो विसर्प आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। विश्व की कुछ नदी के नाम इस तरह से आपके डेल्टा के निर्माण करती है, और डेल्टा के निर्माण में आपसे कौन सी नदी पूछी जाती है। भारत में एक ऐसी नदी बताइए जिस जो क्या करती है, जो सबसे बड़ी है और जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डेल्टा का निर्माण करती है, तो आपको वो बताना है। वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ओनली फॉर जीके, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, IEEE में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो स्टेट के आपके उसमें पूछे जाते हैं, यानी कि स्टेट में पूछे जाते हैं। और डेल्टा कहीं ना कहीं निर्माण में आपकी जो सबसे फेमस नदी है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री तरंगों के कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये क्या है, समुद्री गुफाएं, समुद्री गुफा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि समुद्री गुफा हमारे एक तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। हिमनदी के कार्य, हिमनदी के भी कोई कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हिमनदी भाई आपके कॉन्सेप्ट में हिम नद जो नदी यानी हिमनद जो कहते हैं, हिमनद का कॉन्सेप्ट एक तरह से बर्फ, देखो जो बर्फ़ की नदी हो हिमनदी या हिमनद, ठीक है, जो गुफा की नदी हो वो गुफा की नदी, जो क्या है तटीय नदी हो तटीय नदी, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लेके चलो। हिंदी वालों के लिए तो कोई कॉन्सेप्ट एक तरह से मतलब एक तरह से हार्ड रहेगा ही नहीं। हिम मतलब क्या है, बर्फ़ की, और नद मतलब नदी, यानी हिम नदी कह लो या हिम नद कह लो, कुछ भी आपके लिए ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी।
फिर आता है यानी कि पवन का कार्य। पवन का कार्य क्या है, रेगिस्तान वाला कॉन्सेप्ट है। रेगिस्तान वाला जो एक आपको मैंने बताया था सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का याद रखना। सहारा मरुस्थल किस, और सहारा मरुस्थल है कहाँ पर, क्वेश्चन पूछा जाता है सहारा मरुस्थल है कहाँ पर, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए सबसे एक तरह से ये मान के चलिए सहारा मरुस्थल में सबसे ज़्यादा गर्मी वाला और सबसे ज़्यादा आपका मौसम परिवर्तन होता है। क्योंकि आपको ये पता है कि रेत जो होता है वो दिन के समय गर्म और रात के समय ठंडा होता है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो भी सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आपका क्या है यानी कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समुद्री तरंगे की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है तो आपको बताना है। फिर है हिमनद की निक्षेपण विशेषता बताइए। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना नहीं घटना होती है, तो ये आपको बतानी है। ये कहीं ना कहीं जो इसमें यानी कि ज्योग्राफी में आपके MCQ दिए गए हैं इन्हें ज़रूर करिए, क्योंकि MCQ में कहीं ना कहीं आपके मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कभी कभी इसी में से आपको क्वेश्चन उठाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके मैच द फॉलोइंग और कहीं ना कहीं MCQ जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।